Assalamu alaikum, dear my YouTube family and all my teaching community. Welcome in my session. This is Nisar Amar Diary, IT trainer at Bytes in Opsha. आज जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय द कंप्यूटर एंड हाउ एक्चुअली कंप्यूटर वर्क्स एंड कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं. तो ये ओवरऑल तो इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है इस कोर्स के लिए कि आपके पास एक तो कंप्यूटर एज अ डिवाइस होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कंप्लीट, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए. सेकंड, आप अपने पास कुछ नोट टेकिंग के लिए पेन एंड पेपर्स अगर आपको जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि आप चीज़ें कुछ नोट करते जाएं. इसमें मुझे ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं कि मैं ओवरऑल इन चीज़ों को एक एनिमेटेड फॉर्म में लेके आऊं. सो जितनी मेरी कोशिश है, मेरा मेन पर्पस है कि जितनी भी हमारी टीचिंग कम्युनिटी है वहाँ तक ये मैसेज जाए और सब चीज़ें इनसे लर्न करें. जिनको भी फ़ायदा हो सकता है मेरे लेक्चर से वो फ़ायदा लें. और मैं अपने मेरा भी एक शौक है कि मैं ओवरऑल जितने भी टीचर्स हैं हमारे या ऑफिसर्स हैं वो कुछ सीख सकें इस कंप्यूटर्स के बारे में या इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में या बाकी जितने भी हमारे कोर्सेज इन फ्यूचर आ रहे हैं, तो वो हर टीचर को इस चीज़ का एक्सेस होना चाहिए. सो इस पर्पस के हवाले से ये कोर्स डिज़ाइन किया था. तो इसका फर्स्ट जो मॉड्यूल है दैट इज़ आल्सो द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में, जिसमें बैकग्राउंड कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है और किस तरह काम करता है और कंप्यूटर की बेसिक बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे. सो एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर, अगर हम टर्म कंप्यूटर से स्टार्ट करें और कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में स्टार्ट करें, सो कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में इज़ दैट के knowledge about the understanding of computer system, that what does it mean by the computer and how we can use that computer system. So iske information ko hi aap itni just information knowledge hona ki computer kya cheez hai aur computer system ko kis tarah use kiya jata hai, uski different applications ko kis tarah access kiya ja sakta hai, use kiya ja sakta hai, to isko hi hum jo hai wo kehte hain computer literacy. So isliye hamare jitne bhi teachers hon, हमारे स्टैंडर्ड भी हैं सातवां नंबर दैट एवरेज टीचर शुड बी एबल टू यूज़ द आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक हमारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी है. सो इन टीचर्स को यूज़ आना चाहिए, उसके अलावा उनकी बेसिक नो हाउ होनी चाहिए. सो इसीलिए ये कोर्स, ये मॉड्यूल आपको सपोर्ट करेगा कि आप स्टार्ट से समझें कि कंप्यूटर टर्म से लेके इसकी हिस्ट्री और बैक बाकी जितनी भी इसके साथ अटैच डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको समझाया जाए. सो इसमें काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इनिशियल लेक्चर्स में. सो इसके लिए लाजमी है कि आप नोट टेकिंग करें. जो मेरी इनपुट है, मैं कोई बुक रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं करता, ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स उनकी डेफिनेशंस हैं. सो जैसे कंप्यूटर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन राइज होता है कि हमेशा स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर हैज़ बीन टेकन फ्राम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट. सो इट्स अ वन ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं बिकॉज के अगर इसकी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर हमारे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर बेस नहीं करती. सो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं दिस ऑल आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप सिस्टम यूनिट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, दे आर वर्किंग ओवर दी ऑल कार दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इनके लिए जो वोल्टेजेस भी हम यूज़ करते हैं तो वो मिनिमम वोल्टेज 0.5 समथिंग में हम उनको प्रोवाइड करते हैं. अदरवाइज़ अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर कोई मशीन्स या मोटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. तो इसके अंदर जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको ICs आपने सुना होगा, काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं अभी, LEDs वगैरह और सारे जितने भी लैपटॉप्स वगैरह मोबाइल फ़ोन्स हैं, दीज आल का दी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. सो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सो इसमें यह भी बेनिफिट है इनका कि ये तो इनको लेस पावर कंजप्शन इनकी होती है. एंड जिस जितने भी इसके अंदर ICs हैं, अगर आप यू आर नॉट फैमिलियर विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर ICs, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इनको अगर हम आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे अबाउट द सिस्टम यूनिट तो उसके अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. सो इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें दैट इज़ एक्चुअली टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स. अब यूज़र्स कौन है?
यूज़र्स आप और मैं हैं, आप एंड मी हु आर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़र्स कहलाते हैं। सो इनको इनका काम है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना, यूज़ करना। फिर उस यूज़र्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, सम आर द प्रोफेशनल यूज़र्स, सम आर द नॉइस यूज़र्स, आर जिनको हम कहते हैं एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जे आर जस्ट नो कि हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर एंड हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स, बट द प्रोफेशनल्स आर दैट दे हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड हैव अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, सो उनको हम प्रोफेशनल यूज़र्स कहते हैं। बट यू एंड मी आल्सो इज कॉल्ड नॉइस यूज़र्स, हम न्यू एंड यूज़र्स हैं, हम सिर्फ कंप्यूटर को यूज़ करना, उनके एप्लीकेशंस को यूज़ करने को ही कहते हैं। सो कंप्यूटर की वर्किंग को अगर आप डेफिनेशंस को देखेंगे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस प्रोसेसिंग डिवाइस है, इस बेस्ड ऑन दी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं जो असल में आपकी इनपुट को मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड फाइनली आपको एक मीनिंगफुल जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है। सो कंप्यूटर इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस दैट टेक्स द डेटा। डेटा कहाँ से लेगा? यूज़र से लेगा, जो हम यूज़र्स दे रहे हैं। फिर डेटा और को हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि दो डेटा की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। डेटा हम इसको थ्रू द इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को देते हैं कि ये चीज़ है, हमें ये करके दें, ठीक है। तो जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर इसके ऊपर जो है वो अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके उसके ऊपर थ्रू द प्रोग्राम्स उसको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है और इसको जो है अपने एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आपको आउटपुट दिखाता है, आपको आउटपुट डिवाइसेस पे। सो इसमें तीन तरह के प्रोसेस इसने किए। इसमें एक तो उसने इनपुट ली, इनपुट इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। वो यूज़र से इनपुट लेगा, उसको फिर क्या किया उसने थ्रू द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने उसको प्रोसेस करके आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू जो है उसको प्रोसेस किया है, फिर उसको जो है आपको आउटपुट शो किया। सो ये उसके एक इंफॉर्मेशन साइकिलिंग कहते हैं इसको, कि हाउ कंप्यूटर एक्चुअली प्रोसेस द डेटा। सो प्रोसेसिंग के लिए ये उसके बेसिक तीन चार फंक्शंस हैं, जिसमें कंप्यूटर यूज़र से डेटा लेगा, फिर उसको प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर इसको स्टोरेज भी करता है, जैसे ह्यूमन है तो इसके अंदर भी आप देखें कि इंसान जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे, वो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके साथ वो इंटैक्ट होता है, फिर उसी को मेमोराइज कर लेता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी यह फैसिलिटी है कि आप उन इवेंट्स को, उन डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को आप जो है वहाँ पे कंप्यूटर में परमानेंटली या टेम्प्ररी आप इसको स्टोर करें, तो ये फैसिलिटी भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है। सो कंप्यूटर इसको अगर हम डेफिनेशन बना लें, इसको आप कहीं से भी देख लें, तो कंप्यूटर इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेस द डेटा बाय यूजिंग द प्रोसेसिंग डिवाइस बाय यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर प्लेयर्स एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड देन प्रोवाइड द आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एक डिटेल्ड इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर सिंपल हम कहें कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस एंड फाइनल प्रोवाइड द आउटपुट इज कॉल्ड द कंप्यूटर। तो इसकी ये प्रोड्यूस जब आउटपुट करेगा तो ये उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की, कि हम कंप्यूटर को किस तरह जो है वो प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में मैंने कहा इसकी बेसिक फोर फंक्शंस हैं, कि इसके इनपुट फंक्शन आप कह लें प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट आपसे लेगा, इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइसेस जहां पे आप डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर को कि आपको क्या काम करना है, देन कंप्यूटर प्रोसेस दैट इनपुट, डेटा को प्रोसेस करेगा, फाइनली उसको जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है कि उसको अगर आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं या इन बिटवीन प्रोसेसिंग के भी कंप्यूटर जो है वो टेम्पररी और परमानेंटली उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने पास, तो ये इसके बेसिक जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में उसके फंक्शंस आ जाते हैं। कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ वो भी आपको याद होने चाहिए कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक तो उसकी हार्डवेयर आ जाती है, कि हार्डवेयर पे एक कंपोनेंट है, सेकंड उसका जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड थर्ड इज़ यूज़र्स,
एंड फोर्थ वन इज़ अ डेटा और इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। सो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, अगर इनमें से आप एक को भी एक्सेप्ट रिमूव कर दें तो वो आपकी डिवाइस जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे अगर आपके पास हार्डवेयर भी है और यूज़र्स भी हैं, डेटा भी है, मगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो भी वो मशीन बेकार है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि भाई सॉफ्टवेयर्स भी हैं और यूज़र भी है और पर्टिकुलर डेटा भी है मगर हार्डवेयर नहीं है, वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो इट मींस के स्टिल इस नॉट कंप्लीट सिस्टम। सो इस इनके लिए ये चारों डिपेंडेंट हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए। तो अब इसमें फर्स्ट के हार्डवेयर क्या चीज़ है, हार्डवेयर को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है दीज आर द फिज़िकल कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो फिज़िकल आपके इक्विपमेंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं और प्लस में टच कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड दी कंपोनेंट हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स या प्लस में जितनी भी डिवाइसेस, इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस या आईओ डिवाइसेस हम इनके साथ अटैच करते हैं। आईओ मैं कहता हूँ समटाइम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो ये सब चीज़ें जो भी हैं आपकी बेसिकली हार्डवेयर में आ जाती हैं, जो हार्डवेयर को आप फिज़िकली देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। वेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज़ कैन से सोल ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ द एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that actually instruct the computer what to do and how to do. It's a simple definition के वो computer को या जितनी भी उसके साथ attached devices हैं तो उनकी processing, उनको controlling करना उन softwares का काम है, ठीक है जी। तो इसी तरह यूज़र्स को फैसिलिटेट करने के लिए, यूज़र्स को कंप्यूटर पे काम करना है तो उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर्स हैं। सो इट मींस के सॉफ्टवेयर्स आर प्रोग्राम्स व्हिच फैसिलिटेट द हार्डवेयर एज वेल एज द यूज़र्स, एंड दीज आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। एक तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के लिए हों तो उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, एंड वो सॉफ्टवेयर्स जो यूज़र्स के लिए बनाए गए हों, जो यूज़र्स के काम के लिए हों, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी केसेस, व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन देम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन थर्ड इसका कंपोनेंट है, दैट इज़ यूज़र्स। Users are the person, anyone who is going to use the system. कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसको हम बेसिकली यूज़र्स कहते हैं। फिर मैंने उसमें कहा था कि एंड यूज़र्स एंड प्रोफेशनल यूज़र्स हैं, कि एंड यूज़र्स इज़ वन दैट इज़ एक्चुअली यूजिंग द कंप्यूटर, वो बंदा जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको हम एंड यूज़र, जो बिल्कुल उसको सिर्फ उसके पर्पज़ है कि कंप्यूटर को किस तरह ऑपरेट करना है, उसके एप्लीकेशन को किस तरह एक्सेस करना है, सो दीज आर कॉल्ड एंड यूज़र्स। वेयर इज जो हमारे प्रोफेशनल यूज़र्स होते हैं, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, चाहे वो हार्डवेयर का स्पेशलिस्ट हो या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, तो उसको हम प्रोफेशनल यूज़र्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चार डिवाइसेस की भी हम कैटेगरी करते हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस आपके पास आ जाती हैं, जिसमें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज़ गोइंग टू कंट्रोल एंड मॉनिटर ओवरऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द कंप्यूटर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर इज डेवलप, किस तरह वो डिज़ाइन है उसको, इसके आप बेसिक फंक्शंस क्या हैं और किस तरह वो जो है बाकी डिवाइसेस के साथ काम मिलकर काम करता है। इसके अलावा हमारे पास मेमोरीज का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो एज़ यू नो दैट के कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक तो वो जो टेम्पररी होती हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी होती है जो जब आपके कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो, एंड सम टाइम आपके पास जो परमानेंटली आप कुछ डेटा जो है आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम परमानेंटली स्टोरेज कहते हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक तो आपकी टेम्पररी मेमोरी हो जाएगी, फिर इसको हम कैटेगराइज डिस्कस करेंगे टेम्पररी मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी जो टाइप्स हैं तो वो क्या हैं और किस तरह काम करती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास कंप्लीट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें
काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट वो जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करें, डेटा जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर को दे रहे हैं कि ये टास्क करना है, वो चाहे वो ऑडियो हो, टेक्स्ट हो। ऑडियो जैसे टेक्स्ट के लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली यूज द कीबोर्ड। इसी तरह मुझे ऑडियो भेजनी है तो माइक्रोफोन्स वगैरह, हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्कैनर हो गया, तो ये इनको क्लियरली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज़ें। और कुछ डिवाइसेज होती हैं जो आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, जहाँ भी आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, कंप्यूटर का आउटपुट नज़र आएगा, तो वो आउटपुट के लिए या तो आपके पास स्क्रीन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मॉनिटर्स कहते हैं, वो LCD LED इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे और आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, फिर प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स हैं कि वो क्या है, वो किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारी आपको और जो है वो आउटपुट डिवाइसेस मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास मैंने स्टोरेज का भी बता दिया आपको, काफ़ी सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CD रोम, USB, फ्लॉपी ड्राइव्स वगैरह, ये काफ़ी सारे हार्ड ड्राइव्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ टेम्परेरी मेमोरीज होंगे तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेज यूज़ होती हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे कि नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए हमारे कौन सी डिवाइसेज हैं जो हम डेटा को एक्सचेंज कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे, या किसी कोलाब्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिवाइसेज हैं जिसमें बेसिक मॉडेम आपके पास आ जाएगा, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सो वो कौन से जो डिवाइसेज होंगी जो नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए यूज़ होंगी। सो आज के इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कि हाउ एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को हमने डिस्कस किया, कि दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस एंड फाइनल प्रोड्यूस आउटपुट। देन हमारे पास इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं चार, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक कंपोनेंट्स में। इसके अलावा हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स एंड स्टोरेज। तो ये सब कुछ जो है हमारे पास जो है वो उसके कंपोनेंट्स थे जिनको ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, और काफ़ी सारे इन बिटवीन चीज़ें आ गई, तो इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज़ द लिटिल बिट इंट्रो ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि व्हाट इज मीन बाय द कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ एक्चुअली कंप्यूटर वर्क्स एंड ऑपरेट्स एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर द न्यू यूज़र दैन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द participant, teaching community and officers, so that may be learn the computer skills from this course. And if you have any query or suggestions for this video, I know I'm not doing any professionally work, not for the any professional purpose, but it's the only sake of the to share my knowledge with the teacher teaching community, so that they may enhance their learning skills, computer skills. सो आप सजेशंस भी दे सकते हैं मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के। एंड थैंक यू, अगर आपको लाइक वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.